क्या रेलू, ये सरगम ना सच्ची तेरे टक्कर की निकली क्या? गाजर पकड़े है ना जीजाजी को कैनाडा ले जाके एल्बम निकलवाने की। यार तेरी फीकी जलेबी रसगुल्ला सब फेल हो रहा है, यहाँ तक कि पिंटू जी वाला प्लान भी फेल हो गया है। ये जीजाजी का ना दिमाग खराब हो गया है। कैनेडा में गाना गा के क्या उखाड़ लेंगे वो? इंग्लिश में तो गाना गा नहीं सकते क्योंकि उनकी बस की नहीं है, और कैनेडा वालों के लिए हिंदी बस की नहीं है। तीसरी दिल तो यह है ना, उसे इग्नोर कर रहे हैं। फिर हम ना एक काम कर लेते हैं, हम ना सरगम की बच्ची को किडनैप करवा देते हैं, इससे वो डर भी जाएगी और इंडिया से अकेली खिसक भी लेगी। अरे यार वो लड़की ना मूली है, जितनी जमीन के बाहर उतनी ही अंदर भी। अरे वो किडनैपर्स को पैसे पकड़ा के ना वहां से भी भाग लेगी। मैं नहीं चाहती कि जीजाजी उसे बेचारी समझे। तो फिर हीलू हम ये काम कर सकते हैं, हम ऐसा दिखाएंगे कि सरगम ना 3-4 लड़कों को किडनैप करके बैठी है, मतलब वो यहाँ पे लड़कों के साथ नाटक करती है प्यार का और उन्हें कैनेडा ले जाके बेच देती है। हाँ। वाओ। सुनो, तेरे पास वो चिपकाने वाला टेप है क्या, बड़ा वाला? हाँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी का, इम्पोर्टेड वो भी। तो एक काम कर, उससे अपना मुंह चिपका ले। फालतू की आइडिया दे रही है कब से? नहीं हदी हो गई है, मैं अपना इतना एक्सपेंसिव दिमाग तेरे आइडियाज के चक्कर में खर्च कर रही हूँ और तू मुझे ऐसे बोल रही है। मैं क्या करूँ, डर लग रहा है तेरे लिए, तो डर लग रहा है मुझे। देख पिंटू जी की शादी भी कैंसिल हो गई है, अब जीजा जी का कैनेडा जाने का प्लान कैंसिल ही नहीं हो रहा, क्या करे? मुझे पता होता तो यहाँ पे चाट का वेट नहीं करे होती। ए भैया कितना वेट कराओगे यार, चाट दो ना। ऐसे मत बोली लू, इस चाट की थैले पे कितने आइडियाज आए तुझे। चिलू हमेशा यहाँ सोल्यूशन मिलने वाली सेल्फी। ओए, ये तो तेरी आइडिया आने वाली स्माइल है ना। सुनो, उस उल्लू लल्लू को फोन लगा, क्योंकि अब लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस सरगम की। ठीक है भैया, आज ही दे दो यार चार्ट। चीज। यही बाकी रह गया था, जिंदा आदमी को जो है धूप दिखा दे बस। कैसे अशुभ बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य टूट गए। अरे और नहीं तो क्या है, तू पूरे घर में ऐसे लट्टू बनी घूम रही है, ये ना एक जगह बैठ के आराम से पूजा कर ले। इलायची के पापा, गुरुजी ने कहा था ऐसा करने से घर की शुद्धि होती है। अरे घर में कीड़े मकोड़े नेगेटिव एनर्जी है, उन्हें दूर करने से होती है। ये जो है ना चटंकी, इधर घर से बाहर निकाल, सारी अला बला टल जाएंगी। बस मिल गया तुम्हें मौका, हाँ चटंकी भैया को कोसने का। इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि ऐसा करने से घर का माहौल अच्छा होगा, तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। अच्छा, इसका मतलब मेरे अंदर सद्बुद्धि ना है, मैं तो तुक्का मार मार के घर चला रहा हूँ। इलायची के पापा सुनो, गुरुजी ने ना ये भी कहा था कि अगर तुम एक टांग पे खड़े रह के हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, तो घर में बहुत सुख शांति होगी। अच्छा। हाँ मतलब एक टांग पे खड़ा होगा, पगला हो जाऊं, पगला बन जाऊं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे ना, तो सुख शांति नहीं रहेगी घर में। देख करो, तू तो जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि मैं मतलब इन सब चीजों को बहुत मानता हूँ, लेकिन मुझसे ऐसा वैसा कुछ काम मत करवा बस। तुझे पता ना मैं पानी से भरा लोटा हूँ, जरा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो लड़क जाऊंगा। और वैसे भी सेठ जी, ये मान्यताएं कुछ सोच समझ के रखी गई होंगी ना। तू बहुत मानता है ये सब? जी सेठ जी, हम तो सब चीजों में मानते हैं, हमारे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। वो क्या है ना सेठ जी, भगवान प्रसन्न तो सब अच्छा। ना, लेकिन मुझसे किसी ने कहा है कि बीवी प्रसन्न तो पूरा दिन अच्छा। सबकी अपनी अपनी सोच है सेठ जी। स्कूल ना गई आज? नहीं, हम लोग स्कूल गए थे, पर क्लास के बाहर ना खड़े खड़े बहुत ठंडी लग रही थी हमें। क्यों, क्लास के अंदर क्यों ना गई? वो मैडम ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया था ना, इसलिए। क्यों निकाला बाहर क्लास के? क्या हुआ था? मैं सुनो, होमवर्क करना ही भूल गए। फिर हमने सोचा ना कि क्या फायदा है इसे क्लास के बाहर टाइम वेस्ट करने का, इससे बेटर हम लोग ना घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जरूरी काम निपटा लेते हैं। मैं वही करने जा रही हूँ। पढ़ाई से जरूरी क्या काम है बता, कुछ तारे तोड़ कर तुझे लहंगे में तो टांगना है, पढ़ाई कर ले। और सुन बता ना, ये लड़की कब सुधरेगी, मुझे कुछ ना समझ में आ रहा है। देखो पापा, पहली बात
कि मेरी भी कोई इज्जत है और यही मैंने मैडम से बोला कि मुझे बाहर मत खड़ा करो। अरे अगर पनिशमेंट देनी है तो मुझे किसी बेंच पे खड़ा कर दो या फिर यू नो मुर्गी बना दो मुझे, लेकिन नहीं सुना ना उन्होंने, मेरी कोई गलती नहीं प्लीज। अच्छा तो तेरे मन मुताबिक तुझे सजा मिलेगी क्लास में। अरे जाके होमवर्क कर अपना, बात कर रही बेकार की खड़े खड़े। सुन इसे धूप दे, इसे धूप दे, इसे सदबुद्धि आ जा, दिखा जल्दी दिखा। अरे क्या कर, दिखा दिखा बेटा सदबुद्धि आएगी। इलायची इलायची कह रहा हूं, दिखा इलायची, रुक जा बेटा, थोड़ी सी सदबुद्धि आ जाएगी। इलायची रुक जा, सही जगह पे दिखा धूप। अरे रुक जा बेटा, इलायची सही जगह दिखा, मुझे दिखा रही है, बांध दिखा। हां बस आप यहां पे रुक दीजिए, ले लीजिए। हेलो, हाँ पापा, पापा प्लीज ये एयरपोर्ट वाली प्रॉब्लम का कुछ कीजिए ना। आई नो बट स्टिल डू समथिंग, यू नो आई एम स्टक हियर। या ओके फाइन बाय। हाय सरगम, किस पे गुस्सा हो रही थी? इस वक्त तो पूरी दुनिया से गुस्सा हूँ। ओह होना भी चाहिए, दुनिया है इतनी खराब, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली किसी के काम भी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली तो छोड़ो पंचम को, चली जाओ कनाडा। नहीं नहीं, अगर हमारी थोड़ी सी मदद करने से किसी का भला होता है तो वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, पुण्य कमाना अच्छी बात। अरे पुण्य, पुण्य कमाने के लिए गंगा जी है ना, मैं खुद तुम्हें वहां जाके धक्का लेकर आऊंगी। आई मीन टू से डुबकी लगवाऊंगी यार, नो इश्यूज। फिर देखना तुम्हारे सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और फिर तुम नए पुण्य कमाना। यू नो व्हाट, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, आफ्टर ऑल इंसान इंसान के काम आता है ना। कुछ इंसान काम आते हैं और कुछ काम बिगाड़ते हैं। एनीवे मूवी टिकट्स किसके लिए? तुम्हारे और पंचम के लिए। मेरी वजह से दो बार मूवी प्लान कैंसिल हो गया था ना तुम लोग का, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज टेक इट। रियली तुम चाहती हो मैं और पंचम साथ में मूवी के लिए जाएं? ऑफ कोर्स। ओके व्हाट्स द कैच? ये टिकट्स नकली हैं या तुम हमें जेल भिजवाना चाहती हो? हाँ जस्ट किडिंग, तुमने एकदम सही गेस किया। Just kidding. अरे यार कोई कैच नहीं है, जो सच में बुरा लग रहा था इसलिए तो मैं लेकर आई हूँ। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा मेरा छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच इलायची। अब तुम लेट मत करना, जल्दी जाओ, बहुत अच्छी मूवी है। पंचम को मैं पीछे पीछे भेज दूंगी। और हाँ कोने वाली सीट है। थैंक्स अगेन। चुड़ैल तुझे तो मैं कोने में ले जाके धोऊंगी। ये सुनो जल्दी करना यार, ये कसोटे को इतनी मुश्किल से भेजा चाय पीने के लिए, कभी भी आ जाएगा, कर। हाँ ठीक है। यार इलू मुझे तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था, ये क्या फालतू के काम करवाती रहती है यार तू मुझसे। अब जैसा आदमी वैसा काम है ना सुनू। क्या मतलब तेरा, मैं फालतू हूँ? हिलना बंद कर, नहीं ला लेता अंकल। यार तू अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। मैंने ऐसे कब कहा अंकल, आई मीन लल्लू। सच कहूँ तो तू मेरा स्पेशल फ्रेंड है, तभी तो सारे स्पेशल कामों के लिए मैं तुझे बुलाती हूँ। पर मैं उस रामू काका की तारीफ नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि वो लकी है, इससे ज्यादा लकी तो मैं हूँ। तू समझ नहीं रहा है लल्लू यार, अगर जीजा जी कनाडा चले गए ना तो पापा को इतना सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा। आई मीन 2000 में काम करते हैं पापा के लिए। बोल तू करेगा हमारे घर में नौकरी 2000 में? बोल। ए हेलो, मैं क्यों करूंगा, मैं तो अच्छे खासे घर से हूँ यार, मेरे तो खुद के नौकर चाकर हैं। तब भी तो कह रही हूँ समझ यार, मैं ये सब ना अपने पापा के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। इलू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझे मलाई दिखाकर फटा दूध पकड़ा देगी? लल्लू मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा अब सुन के तुझे करना क्या है।
तो मिशन ये है कि तुझे पापा को बिलीव दिलाना है कि जीजाजी बहुत लकी हैं पापा के लिए, मतलब इतने लकी कि पापा उनकी छाती पे चढ़कर उन्हें कनाडा जाने से रोक ले, समझ रहा है ना? और बाकी दो की चार करना तो तुझे अच्छे से आता है ना? यार इल्लू तू मुझे हमेशा अपनी बातों में फंसा ही लेती है। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी है। मैं मुरारी अंकल से कहूंगा कि ये रामू काका मतलब पंचम उनके जीवन का रक्षा कवच है, लाइफ लाइन है। ठीक है इलू, जीजा जी के लाइफ लाइन होने वाली सेल्फी। सुनो एक बात बता, 2:30 बजे की दिनन की मूवी, ये लोग अभी से कहां मटर गश्ती करने निकल लिए? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे तैयार करना इसे, आई मीन तैयार करो, रेडी हो, चल लाइंस रेडी कर लो अपनी। हैं अरे करू सरगम को बुला ले। अरे भूल गए इलायची के पापा। हाँ। सरगम तो पंचम के साथ फिल्म देखने गई है ना। अरे तुम खाओ। अरे इलायची खाना खा ले बेटा, चलो बैठ। नहीं मेरा मन नहीं है। नहीं तो बाहर से खाना खा के आई है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों ना आई खा के? तू तो हमेशा आती है, कभी चाट कभी ये कभी वो है? नहीं पापा, मेरा बाहर के खाने पर से ना विश्वास ही उठ गया है। और खाना ही क्या, हर चीज से विश्वास उठ गया है। पता है आज ना मैंने 2-3 ढोंगी बाबाओं को देखा और फिर। तो तू इतना क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि परेशान होने वाली बात है पापा। आपको पता है ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई का फायदा उठाते हैं। ओहो, तो आज तुझे पहली बार अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है? मेरे किए पे? हाँ और क्या, देख मैं भोला और मेरे भोलेपन का फायदा उठाने वाली तू। पापा मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अब सुनेंगे आगे क्या हुआ। दरअसल मेरे स्कूल के बाहर ना एक ढोंगी बाबा आते थे। हाँ। और ना वो लोगों को गुमराह करते थे ये बोलकर कि अगर मुझे चढ़ावा चढ़ाओगे ना तो नंबर बढ़ जाएंगे। अब बताओ जरा, मेहनत करने से नंबर बढ़ते हैं या सब फालतू की हरकतें करने से? आहा, तेरे मुंह से ये मेहनत का शब्द सुन के ना मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। देख बेटा, अगर तू महीने में 1-2 बार चाहे झूठा चाहे सच्चा ये मेहनत का नाम लेती रहे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुझे जन्म देके मैं धन्य हो गया हूँ। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो ड्रामेटिक पापा। इस बाबा को भिक्षा मिलेगी क्या? भिक्षाम देही। बोले बे, हमारा नाम है बेनामी, हम है अंतर्यामी, ये बाबा भिक्षा का भूखा है। अरे बाबा यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी झोली में जो भी भिक्षा होगी ना वो भी ये लूट लेंगे। भिक्षाम देही। अरे काला जा याद है, चल बात चिल्ला मत मूरख मुरारी वरना आवाज चली जाएगी। जैसे ठीक 21 साल पहले 14 दिसंबर की रात को 8:05 पर गई थी। और फिर उसे वापस आने में 11 दिन लग गए थे। चलो चलो आ जाओ जाओ, देखें कौन है। बाबा एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि 11 दिन तक मेरी आवाज ना रही थी, ठीक है ये बात, लेकिन सिर्फ मेरे परिवार वालों को मालूम है और किसी को ना, तो आपको कैसे पता लग गई है? हमारा नाम है बेनामी, हम हैं अंतर्यामी, हमें सब कुछ पता है। बाबा जी क्या आप ये बता सकते हो कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी हुई है? क्या पूछ रहा है? मेरे तो भाग ही फूट गए।
अरे जी जी पता होने को तो मुझे भी पता है, मैं खुद अंतर्यामी हूँ, मैं तो इनको देख रहा था कि कितने बड़े पहुंचा हुए हैं। मूर्ख आदमी, हमारी परीक्षा लेने का प्रयत्न ना करो, हमें सब कुछ पता है। मरारी सेठ, तुम्हारी पत्नी करुणा के कमर पर तिल है, जिस पर आपका दिल है। हाँ, मम्मी की कमर पे तिल है, मैंने देखा है। वाह, गुरुजी से वाकई में बहुत ज्ञानी है। गुरुजी के जय हो। बाबा जी के जय हो। बाबा जी, मेरे आने वाले कल के बारे में भी कुछ बताइए ना प्लीज। क्यों नहीं इलायची, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। दिखाओ हाथ, दिखाओ। हाँ, कितना मुलायम हाथ है। इलायची, तुम्हारे सुंदर जीवन में एक सुंदर, सुशील, ललित कला से भरा हुआ नौजवान आने वाला है, जो तुम्हारे ही मोहल्ले में जिस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम पहले ही 4 बार फेल हो चुकी हो, और पिछले हफ्ते ही तुमने अपने पिताजी की पेंट से 1,000 रुपए चुराए हैं। अरे बाबा जी, आप प्लीज हमारी पोल मत खोलिए। देखिए, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। हाँ, हमारा तो जीवन धन्य हो गया कि बाबा जी हमारे घर पधारे। जय हो, जय हो। अरे वाह देवी, दिखने में तो तुम बहुत शक्तिशाली हो। हाँ। किंतु शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हैं? हैं? हाँ बाबा, ठीक है देवी, धन्य है, धन्य है, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके बारे में आपको पता है, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ मेरे बारे में भी बताइए। क्या बताऊं, कुछ बताने जैसा है ही नहीं। ना कुछ तो होगा, मुंह खुलवाने वाली बात हो जाएगी। हो जाए ना, पर बोल दीजिए क्या बात है। तो सुनो मुरारी सेठ, तुम एक नंबर के कंजूस, मक्खी चूस, काइयां और चंट आदमी हो, जो अपनी पत्नी को रुलाते रहते हो। बाबा जी की जय हो, जय हो, जय हो। और सदैव ही अपने साले के साथ छल और दुर्व्यवहार करते हो। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। कुछ भी अच्छा ना है मेरे बारे में, है ना। तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, आप धन्य हैं। एक मिनट, ये लीजिए मेरी तरफ से 11,125 रुपए। नहीं नहीं नहीं, हमें दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सुख, समृद्धि, ये सेहत किसी और के आशीर्वाद की वजह से। मैं कुछ समझा ना। कोई है जिसके इस वास्तु में आ जाने से सब कुछ बदल गया है, और तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो तो है, ये मेरी बेटी इलायची। जब ये पैदा हुई थी, उसके बाद से मेरा धंधा अच्छा चलने लगा। और मैंने इसके नाम से एक प्लॉट भी खरीदा है। अरे भाई, लक्ष्मी है, लक्ष्मी, मेरे घर की लक्ष्मी है ये। नहीं 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 नहीं, वो इलायची नहीं है, वो तो कोई और है, जिसने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखा। मुरारी, तुम पर मौत का साया मंडरा रहा था, किंतु उस इंसान के इस वास्तु में आ जाने से तुम जिंदा हो, वरना अब तक तो तुम्हारी 13वीं हो जाती। देखा जीजा, एहसान मान मेरा, आज जो खड़ा हुआ ना, तो सिर्फ मेरी वजह से खड़ा हुआ है तू। नहीं नहीं नहीं, वो तुम नहीं हो, तुम तो खुद इनके ऊपर गंदे साये की तरह लदे हुए। बाबा जी, फिर तो सिर्फ मैं ही बचती हूँ, है ना। नहीं नहीं, वो तुम भी नहीं हो, तुम्हारी वजह से तो खुद मुरारी सेठ ने कई बार इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा है।
अरे बाबा बाबा जी बस रहने दो, वो तो कोई और है। मुझे उस इंसान का तेज अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी सुगंध आ रही है। कहाँ? बाबा जी छत पे तो कबूतर और कौवे आते हैं, कभी कभी बंदर भी दर्शन दे जाते हैं, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? धन्य घड़ी धन्य भाग, मिल गया उस पुनीत पावन ललित पुण्यात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया।